पाकिस्तान का बनाना पंगे लेंदे ये पाकिस्तान का है क्या क्राउड फूट देंगे इतने लोग सो फाइनली हम लोग बागा बॉर्डर पहुंच चुके हैं एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने वो वाला जो एक सुबह करें आज के दिन में दो ब्लॉग बना रही हूँ। तो हम लोग बागा बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा रश है, 50,000 की गिनती में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे पास VIP पास थे तो हमें कुछ एंट्रेंस वगैरह मिल गई है, जल्दी से हम लोग सीधा डायरेक्ट मेन एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। अदरवाइज आप देख सकते हो मेरे पीछे इतनी लंबी लंबी लाइन्स हैं, बहुत मतलब यहाँ पे चेकिंग हो रही थी, इतने ज़्यादा खज्जल हुए। छोटा सा इतना सा हैंड बैग है ये तो अलाउ कर दिया, इससे थोड़ा सा बड़ा बैग था उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। इतना खज्जल किया कि ये बैग बाहर रख के आओ। फिर हमारे बैग में ना जीजू के पास चार्जर था एंड उसके बाद वो चार्जर भी निकलवा दिया इन्होंने, कहते चार्जर भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी नहीं लेकर जाने। तो उसके बाद 15 मिनट हम लोग खज्जल हुए हैं। अंकित अब मम्मा का हैंड बैग और जीजू का चार्जर अपनी गाड़ी में रखने गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आगे आगे, देखते हैं हमें सीट वगैरह कहाँ पे मिलती है कहाँ पे नहीं, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। सैटरडे है तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ एंड फ़र्स्ट टाइम देखूँगी कि परेड वगैरह कैसे होती है कैसे नहीं। आज फ़र्स्ट टाइम मैं बागा बॉर्डर का व्यू है जो इन्जॉय करने लगी हूँ, तो मैं आपको भी व्लॉग में सब कुछ शूट करूँगी, जितना मेरे से हो पाया बन पाया मैं उतना करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी 4:15 हुए हैं और परेड स्टार्ट होनी है 6:30 बजे जाके, स्टिल 2 घंटे एंड बहुत ज़्यादा रश है। ओह माय गॉड, जो लोग सारे बैठे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं और गेट के इस तरफ हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई बहन बैठे हुए थे। Oh,
बीएसएफ की तरफ से रिटेंशन